सनातन धर्म के लिए हमेशा से ही बात करने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की इन दिनों इंदौर में कथा चल रही है। बागेश्वर धाम की इस कथा के दौरान बुधवार को एक महिला ने शिकायत की, जिसमें उसने बताया है कि मदरलैंड नामक स्कूल में उनके बच्चे जब पढ़ने जाते हैं तो स्कूल प्रबंधन उन्हें हाथ पर कलावा बांधने से मना करता है, जिसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने खुले मंच से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को स्कूल जाकर प्रबंधन को समझाइश देने की बात की। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के आदेश का पालन करते हुए विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता स्कूल पहुंचे, लेकिन अवकाश होने के कारण प्रबंधक नदारद रहा। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने स्कूल के दरवाजे पर स्वास्तिक का निशान बनाया और स्कूल प्रबंधन को फोन लगाकर समझाइश दी है। वहीं कुछ ही देर बाद करनी सेना के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंच गए और उनका कहना था कि यदि सनातन धर्म या हिंदू धर्म को इस तरह से कोई अपमानित करेगा तो उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इंदौर से मोहसिन खान की रिपोर्ट। और गुरुजी, मदरलैंड स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ते हैं तो वहाँ तिलक नहीं लगाने देते और हाथ में धागा भी नहीं बांधने देते। क्यों? बोले नहीं, ये नहीं चलेगा स्कूल में। कहना तुम्हें भारत में चलाना है स्कूल के वेस्ट इंडीज में। कौन सा स्कूल है? मदरलैंड। जितने भी यहाँ पर हिंदूवादी बच्चे बैठे हो, सनातन का प्रचार करने वाले, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो अथवा बजरंग दल, कल परसों दो तीन दिन में उनसे जाकर प्रार्थना जरूर करना अथवा कानूनी कार्रवाई करवाना। भारत में कानून है, सबको जीने का अधिकार है, सबको अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है, कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि भारत संविधान से चलता है, मदरलैंड वालों के औकात से नहीं चलता है। मेरी आप, बेटी आप तीन बार लिखित में, लेकिन इसके हाथों में से धागा उन्होंने खोल दिया। आज इधर भेजो, हम धागा बांध रहे। मैडम ने? कौन सी मैडम ने? संध्या मैडम ने। नाम संध्या पर पूरी रात है भैया, जो सही बात है वही बोल। नहीं, बहुत अच्छा है, ऐसी दम लगानी चाहिए, हिंदुओं को बोलने की दम रखनी चाहिए। ताली बजा करके हौसला बढ़ाओ। और केवल ताली नहीं बजानी है, हम बच्चे जितने बैठे हैं, तुम लोगों ने सुन लिया तो कौन कौन कानूनी कार्रवाई करवाएगा? हाथ उठाओ। देखिए, कल धीरेन्द्र शास्त्री जी की सभा में जो कथा चल रही है उसमें धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बताया कि कोई एक बालिका है जिसको इस मदरलैंड स्कूल में ना तो धागा बांधने जाता है, सनातन धर्म का वो पालन करती है, वो टीके लगाने लेके जो विषय हुआ है उसको करनी सेना ने संज्ञान में लेते हुए आज स्कूल प्रशासन का घेराव करने का सोचा था, और जो मैडम है संध्या उसको स्कूल से रजिस्ट्रेट करने का बात हुई। स्कूल आए, कौन मिला यहाँ पर, क्या हुआ? आप देख रहे हो डर के मारे पूरे स्कूल प्रशासन भागा हुआ है, बोल रहे हैं कि बाहर भाग गए, पर करनी सेना जो लड़ाई उठाती है, शुरुआत करती है, उसको आखिरी दम तक लड़ती है, और आखिरी दम तक बाकी के हिंदू संगठन भी हमारे साथ में है और आखिरी मुद्दों की आखिरी लड़ाई तक लड़ेंगे, और जो भी इसके पीछे है, जो सनातन धर्म के बीच में आएगा उसको पूरी ताकत से जवाब देंगे। पोस्टर भी मिला आपको यहाँ पर, क्या? हाँ, कोई मौलाना फुलाना का पोस्टर लगा था, उसको फाड़ दिया है, और सनातन के विरुद्ध में जो चलेगा उसको जिंदा भी नहीं देखा। किसी से बात हुई आपकी यहाँ पर? हाँ, यहाँ के मालिक से बात हुई है, उसने आश्वासन दिया हो कि बाहर है, आउट ऑफ इंदौर है, जैसे आएगा 5 तारीख तक उसको निष्कासित कर। स्कूल जा किराने की दुकान में चल रहे, स्कूल तो बहुत बड़ी बात है। अनुराग के साथ लगा पहले से लगा। हीरानगर थाने में एक बात सामने आई जिसमें कि अभी फिलहाल कोई आवेदन तो नहीं आया, लेकिन इस तरह का जो वीडियो वायरल हुआ है, सोशल मीडिया में चल रहा है, उसमें ये बात सामने आई थी कि एक जो मदरलैंड स्कूल है वहां पर एक बच्ची की माँ ने शिकायत की थी कहीं कि उसके जो हाथ में कलावा बांधने से मना करते हैं, रोकते हैं तिलक लगाने से। इस पर से कुछ जो के दल, बजरंग दल, शिवसेना के और कुछ करनी सेना के कुछ जो जो कि कार्यकर्ता हैं वो लोग वहां पर पहुंचे थे मदरलैंड पर, क्योंकि वहाँ स्कूल बंद था और उनके द्वारा ये नहीं लगा, ये जो किया गया है इसको न करने की अपील की गई, इस तरह का कोई भी बंदिशा लगाने की उनके द्वारा अपील की गई, इस तरह की कोई बंदिशा नहीं लगाई जाए हिंदुत्व की रक्षा की।